अस्सलाम वालेकुम, सुबह से मैं एक बात सुनने को मुझे मिल रही है कि मैंने मेरी सुलह हो गई है उन लोगों के साथ, और कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान छोड़ के दुबई शिफ्ट हो गई हूँ। ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है, मैं इस टाइम लाहौर में ही हूँ और मैं DIG पंजाब को रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो मुझसे मिलें, और उनके नीचे के कुछ लोग मुझे सुलह का बोल रहे हैं और कुछ लोग मेरी सपोर्ट में मेरे साथ खड़े हुए हैं, और मैं चाहती हूँ कि मैं उनसे मिलूं और उनका जो फैसला होगा वो मुझे कहेंगे सुलह कर लो, मैं सुलह कर लूँगी। मेरे साथ जो हुआ है और इस सब के बाद मुझे माफ़ी नहीं मिल रही है, और मुझे बार बार यही कहा जा रहा है, लोगों के कॉल्स आ रही हैं कि डील कर लें या पैसों पे बात ख़त्म कर लें, आप सुलह कर लें, आपके लिए अच्छा नहीं होगा, आपकी जान को ख़तरा है आगे, आप अभी तो ठीक हो जाएगा सारा कुछ, लेकिन मेरे साथ मेरी बहन भी है और हम दोनों की जान को बहुत ज़्यादा ख़तरा है। साल बाद नहीं, 2 साल बाद नहीं, वो लोग कुछ करा देंगे, कोई केस में डाल देंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि आपको मरवा देंगे, लेकिन देखिए मर तो मैं वैसे ही गई हूँ, क्योंकि जो उन्होंने मेरे साथ किया है मुझे पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया है। ठीक है, मैं तो मरने के मुकाम में थी जो वो करके गए थे, और 2 दिन तो मैं कमरे से नहीं निकली। उन्होंने मेरी वीडियो लीक की, उसके बाद जैसे मुझे मैसेजेस आना शुरू कर दिए मैंने अपना इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया, फेसबुक डिलीट कर दिया, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ। फिर मेरे कोई दोस्त हैं जानने वाले, उन्होंने मेरे जो लॉयर हैं उनका मुझे नंबर दिया, मैंने इनसे कांटेक्ट किया, और मैं इनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इस टाइम तक कोई हो